आखिर राहुल गांधी का गोत्र क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष कौन से ब्राह्मण हैं? ये वो सवाल हैं जो पिछले दो महीने से मोदी सरकार राहुल गांधी से पूछ रही है। लेकिन आज राहुल गांधी ने इन दोनों ही सवालों का जवाब देकर धर्म और जाति की सियासी जंग में अपना दांव दिया। पुष्कर में जब रैली से पहले राहुल गांधी ब्रह्मा सरोवर में पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने अपना गोत्र और कुल दोनों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने दत्तात्रेय गोत्र और कौल ब्राह्मण के नाम से पूजा की। तो उस लाइन व्यू का प्रयोग राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर पर बकायदा पूजा की, भगवान की आरती की। वहीं भगवा पगड़ी बांधी, जिसके बाद वो मंदिर में दर्शन को पहुंचे। पिछले महीने उज्जैन के महाकाल में पूजा के बाद राहुल के गोत्र को लेकर बीजेपी ने हमला किया था। जनेहूधारी ब्राह्मण से शुरू हुई ये जंग गोत्र और कुल तक पहुंच गई थी। राहुल गांधी से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आप जनेहूधारी हैं? आप कैसे जनेहूधारी हैं जो शिव का अपमान करते हैं? आप कैसे जनेहूधारी हैं? आप कैसे हिंदू हैं जो आज अपना गोत्र तक बता नहीं सकता? आप कहते हैं आप जनेहूधारी हैं, तो मैं पूछता हूं क्या गोत्र है आप बताइए। इस देश में 21वीं सदी में केवल धर्म जाति और गोत्र पे, तो धर्म और जाति से भी आगे बढ़ के गोत्र पर चले गए। हम लोगों को तो आज तक नहीं, हमने कभी पूछा कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का गोत्र क्या। उनकी जो मन की आत्मा की जो भावना थी, आज उन्होंने स्पष्ट रूप से इस ब्रह्मा के तीर्थ पे जाहिर कर दी कि जो उनकी बात को लेके जो लोग विवाद करते हैं, आज उन्होंने अपने शुरुआत इसी बात से की। आज जगत पिता ब्रह्मा की धरती पर ब्रह्म सरोवर पर यहाँ पधारे। लिखा इन्होंने जय हिंद वंदे मातरम। मैं राहुल गांधी सनोब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी आज दिनांक 26/11/2018 सोमवार राजी खुशी पुष्कर दर्शन व पूजा अर्चना करने आया। मेरे कुल पुरोहित दीनानाथ कोल व राजनाथ कोल द्वारा पूजन करा के मन प्रसन्न हुआ। मैं भारत व विश्व में अमन चैन व शांति की कामना करता हूं। राहुल गांधी किस यहां पर पूजा अर्चना की उन्होंने पूरी विधि विधान से की, कैसे कैसे क्या क्या किया? ऐसा सुख शांति पूजा था, उनकी मनोकामना की जो संपूर्ण इच्छाएं थी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सुख पूजा की गई है। तो आप लोग क्या पुस्तैनी ब्राह्मण हैं उनकी? जी सर, हम पुस्तैनी ब्राह्मण हैं। अच्छा। हम उसके पुस्तैनी पुरोहित हैं। आज से ही नहीं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, आज राहुल गांधी आए थे। ये इटली वाले हैं। ये इटली की पूजा की? इटली वाले हैं। इटली नाना नानी की पूजा? नाना नानी, ये नाना नानी है। उन्होंने भी हिंदू, ये भी पुष्कर की पूजा की। यहाँ आज पुष्कर जब आए थे वो, तो इन्होंने हिंदू रीति से पुष्कर तीर्थ का सम्मान किया। अच्छा, ये सवाल उठता रहा है उनके गोत्र को लेकर, बहुत सवाल उठाया जाता है, तो यहाँ तो संकल्प लेने से पहले जाति और गोत्र भी बताना पड़ता है, क्या बताया उन्होंने? जब उनके पुस्तैनी पुरोहित ने संकल्प करवाया, संकल्प से पूजा प्रारंभ होती है विधि विधान से, तो जैसे ही संकल्प का मंत्र बोला और उनसे उनका नाम और गोत्र पूछ जानने के बारे में बताया गया, तो उनको पहले से ही अपना कोल दत्तात्रेय गोत्र याद था। और हमने भी जब रिपीट करते हैं कोल दत्तात्रेय, तो उनके मुख से पहले से कोल दत्तात्रेय गोत्र मुंह से आया। और उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मण वो है, और उस गोत्र का संकल्प लेके ही उन्होंने पूजा का प्रारंभ किया। ये आप क्या लेकर बैठे हैं, क्या है ये? ये मोतीलाल जी नेहरू का सिग्नेचर है सर जी, उनका बही खाता होता है, ये पुस्तैनी बही खाता होता है सर जी, तो वो जब भी आते हैं तो उनका इसमें लिखा लेखा जोखा वगैरह। 16/3/21 को मोतीलाल जी आए, 8 दिन यहीं रुके और यहाँ पूरी नगरी में उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना यहाँ आंदोलन जो देश आजादी का चल रहा था, पूरे 8 दिन यहाँ रुके और यहाँ पूरे सातों मोहल्ले में जाके, हमारे जो 7 मोहल्ले उन्होंने वहाँ जाके उन्होंने आजादी की अलग जगाई यहाँ पे, और यहाँ सबको जागृत किया पुष्कर तीर्थ में। मौसम चुनाव का है और चुनाव में आजकल परसेप्शन के संकेतों की राजनीति हो रही है, तो राहुल गांधी ने अजमेर शरीफ में जियारत करने के बाद पुष्कर के ब्रह्मा घाट पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया।